सो टर्टल साइन, जिस तरह से टर्टल का सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, यहीं पे बात आती है नब थ्योरी की, कि नब थ्योरी जिसको चीज बर्गर साइन भी कहा जाता है, चीज देन आगे जो है वो छोटी सी पेनिस नजर आएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें बेबी जेंडर कैसे पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मोस्टली जो है स्टार्टिंग में जेंडर बताना मुश्किल होता है, बाद में तो जेंडर हर कोई बता देता है कि इट्स अ बेबी गर्ल और इट्स अ बेबी बॉय। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये जानना होता है कि हमारा जो है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। सो और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि स्टार्टिंग में जेनिटल्स ही अच्छे से डिवेलप नहीं हुए होते। बेबी हार्डली जो है वो 4 to 6 लेंथ का होता है और बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें उसके जेनिटल्स अच्छे से डेवलप हुए नज़र नहीं आते। सो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 12 वीक में ये बता सकते हैं कि आपका बेबी गर्ल है या फिर आपका बेबी बॉय है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके लिए एक स्पेशल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको पता करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं नब थ्योरी। नब थ्योरी इज़ वेरी कॉमन। अगर आप बात आती है हमारे पास अर्ली ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जेंडर प्रेडिक्शन की, तो वहीं पे बात आती है नब थ्योरी की, कि नब थ्योरी क्या है और इससे हम जेंडर को किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं। सो इसमें होता यह है कि नब थ्योरी हम इसमें 11 to 13 वीक्स में जेंडर बता सकते हैं। कैसे? ट्यूबरकल से। आपने क्या करना है कि बेबी को एग्जैक्ट पोजीशन में आपने एलोकेट करना है कि बेबी इस टाइम किस पोजीशन में है। उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। आपने बेबी की पोजीशन जो है वो स्पाइन होनी चाहिए। अगर तो बेबी का ट्यूबरकल जो है, स्पाइन जो उसकी है, उसका ट्यूबरकल लास्ट पे जाके अगर 30 डिग्री के एंगल पर हमें नज़र आ रहा है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये बेबी बॉय है। और अगर उस ट्यूबरकल का साइन जो है वो 30 डिग्री से कम है रेलिवेंट टू द स्पाइन, तो इट मींस कि ये बेबी गर्ल है। सो अगर हम देखें कि हमें वैसे जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में कैसे पता चलेगा प्रेगनेंसी में कि हमारे पास ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो देर आर डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस जिसमें मैं बताऊँगी कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। बेबी गर्ल को डिस्कस करें तो हमारे पास होता है हैमबर्गर साइन, जिसको चीज़ बर्गर साइन भी कहा जाता है। चीज़ बर्गर साइन क्यों कहा जाता है? सोनोग्राफिकली हमें जो है वो जेनिटल्स अगर हम उसको लोकेट करें फीमर के पास जाके, तो देन हमें नज़र आता है चीज़ बर्गर साइन, यानी लेबियाज होते हैं और देन जो है वो दरमियान में हमें जस्ट लाइक द सैंडविच जिस तरह से होता है उस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। सो फीमेल जेंडर को स्पेसिफिकली प्रिडिक्ट करने के लिए हम चीज़ बर्गर साइन यूज़ करते हैं। इस इमेज में देखें तो हमें जो है वो दोनों फीमर्स के दरमियान में बहुत अच्छे से फीमेल साइन मिल रहा है, एक्स एक्स साइन मिल रहा है। सो एज़ यू कैन सी जेनिटल्स आर वेरी प्रोमिनेंट। इस इमेज में देखें तो इसमें भी हमें जो है वो फीमेल के साथ जेनिटल्स नज़र आ रहे हैं, जेनिटल्स में फीमेल साइन है फीमर के साथ। सो चीज़ बर्गर साइन है, दोनों लेबियाज अच्छे से प्रोमिनेंट हैं और दरमियान में जो है वो देन ऑर्गन जो है वो हमें स्पेसिफिकली नज़र आ रहा है। इस इमेज में भी बहुत अच्छा जेंडर स्पेसिफिकली डिटरमाइंड है। आपने जो है वो ध्यान रखना है कि चीज़ बर्गर साइन हमें यानी 3 लाइंस नज़र आ रही हैं कि नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपने दोनों लेग्स के दरमियान 3 हाइपर इकोइक लाइंस देखनी है, कि हमें जो डार्क 3 लाइनें नज़र आ रही हैं वो हमारे पास जेंडर होता है, फीमेल जेंडर होता है। ठीक हो गया, आपको जो है वो दोनों लेबियाज नज़र आएंगे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास बेबी मेल हमें कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए स्पेसिफिकली हम जो साइन यूज़ करते हैं वो है टर्टल साइन। सो टर्टल साइन, जिस तरह से टर्टल का जो है वो आगे से मुंह होता है, उसी तरह से हमें सोनोग्राफिकली पेनिस नज़र आती है।
एंड देन जिस तरह से उसका बॉडी होता है टर्टल का, उसी तरह से हमें स्क्रोटम नज़र आएगी. स्क्रोटम एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स विल बी विजिबल जस्ट लाइक द टर्टल. सो उस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये टर्टल साइन है, या इसको हम की साइन भी कह सकते हैं. की का जो फ्रंट पार्ट है दैट विल इंडिकेट द पेनिस, एंड देन दूसरा जो है वो स्क्रोटम को इंडिकेट करेगा. सो आपने इसको अच्छे से जो है वो विजुलाइज करना है, और चीज़ ये चीज़ रिमेंबर रखनी है आपने कि जो हमारे पास मेल साइन है, बेबी मेल है या बेबी बॉय है, तो उसमें आपको स्क्रोटम नज़र आएगी. स्क्रोटम अच्छे से विजुलाइज हो जाती है, उसके आगे जो है वो पेनिस आपको नज़र आएगी, टर्टल साइन होगा, छोटा सा है. इस वीडियो में देखें तो ये पेशेंट था एक, और उसका जेंडर बताना था, सो देन मैंने ये स्कैन किया था. सो इसमें आप देखें तो दोनों फ़िलहाल तो जो है वो आपने अच्छे से सबसे पहले तो फीमर एलोकेट करनी है, दोनों फीमेल्स को बराबर करके देन आप देखेंगे कि इसका जेंडर क्या आ रहा है. सो एज़ यू कैन सी कि फीमर के दरमियान में आपको जो है वो स्क्रोटम नज़र आएगी, एंड देन आगे जो है वो छोटी सी पेनिस नज़र आएगी. सो दिस इज़ द टर्टल साइन एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. If you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further sonographical videos. So, Allah Hafiz.